कहते हैं जब महादेव का भक्त संकट में होता है तो महादेव तुरंत अपने भक्तों को बचाने के लिए, संकट से बाहर निकालने के लिए महादेव अवतार लेते हैं, चाहे वह इंसान हो या जानवर। मित्रों, महादेव सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है जहां महादेव ने एक गाय की करंट लगने से जान बचाई है। मित्रों, हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक जुड़े रहें। हम आपको यह चमत्कारिक घटना सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका रोम रोम महादेव का नाम लेने लगेगा। मित्रों, यह कहानी है मध्य प्रदेश में रहने वाले भरत जी की। भरत जी हमें बताते हैं कि उनका जन्म छोटे से गांव में मध्य प्रदेश के हुआ है। भरत जी कहते हैं कि बचपन से ही मैं भोलेनाथ जी की भक्ति करता आया हूँ। भोलेनाथ जी ने मेरे जीवन में कई बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। भोलेनाथ जी की वजह से मेरे हर एक काम चुटकियों में बनते हैं। प्रतिदिन भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता हूँ, अपने गांव में ही एक छोटे से भोलेनाथ जी के मंदिर में। साथ ही साथ बचपन से ही मेरे साथ एक गाय रहती है जिसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी काफ़ी अच्छी गाय है, मेरे परिवार का उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव है और मेरा भी काफ़ी ज़्यादा लगाव है लक्ष्मी से। मैं जब भी भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता हूँ सवेरे सवेरे, लक्ष्मी भी मेरे साथ पीछे पीछे आ जाती है। प्रतिदिन लक्ष्मी मेरे साथ ही आती है मंदिर के लिए। वह भी एक महादेव की भक्त है, महादेव के लिए। एक समय की बात है, रात को बहुत तेज पानी आ रहा था, आंधी तूफान आ रहे थे। हमारे गांव में कई सारे पेड़ रात में गिर गए थे। जब मैं सवेरे सवेरे उठा, नहाया धोया और लक्ष्मी को चारा खिलाया, उसके बाद महादेव के मंदिर के लिए हम दोनों निकल रहे थे। लक्ष्मी भी मेरे साथ आ रही थी। मैंने देखा कि आसपास कई सारे पेड़ गिरे हुए हैं, बिजली के खंभे भी उखड़े हुए हैं। मैं संभल संभल कर लक्ष्मी के साथ आगे बढ़ रहा था मंदिर की ओर, लेकिन एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली थी। सामने बिजली का खंभा टूटा हुआ पड़ा था और उसके वायर इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। सभी में करंट फैला हुआ था। मेरा ध्यान ही नहीं गया कि सामने वायर गिरा हुआ है। मित्रों, मैं वायर के ऊपर पांव रखने ही वाला था कि इतने में लक्ष्मी गाय मेरे आगे आ गई और वह मेरे से पहले उस वायर की चपेट में आ गई। मानो उसे पता हो कि सामने करंट का वायर है और मैं उस करंट के वायर में पैर रखने वाला हूँ, और उसने ही मेरे से पहले जानबूझकर वह करंट के वायर पर पैर रख दिया। हो सकता है मित्रों, वायर के ऊपर मैंने जैसे ही गाय ने पैर रखा, लक्ष्मी ने पैर रखा, मित्रों वह करंट की चपेट में आ चुकी थी। उसके शरीर में करंट पूरी तरह से, करंट ने अपनी चपेट बना ली थी। वह तड़प रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। मेरे सामने यह घटना हो रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं चिल्ला रहा था, चिल्ला चिल्ला के मैंने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन मैं और गांव वाले कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं महादेव से दुआ कर रहा था कि महादेव लक्ष्मी को बचा लो, हमारी गाय को बचा लो। महादेव से मैं कहता कि हे महादेव, लक्ष्मी को करंट से बचा लो। करीब 10 मिनट हो चुके थे, अब लक्ष्मी की हालत पूरी खराब हो चुकी थी। लक्ष्मी के बचने के अब कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे थे। सभी गांव वाले कह रहे थे कि अब कोई फायदा नहीं है, अब लक्ष्मी मर ही चुकी है, अब बिल्कुल कोई चांस ही नहीं बचा था। पूरे गांव वाले उम्मीद हार चुके थे, पर मैंने उम्मीद नहीं हारी, ना ही हिम्मत हारी, और मैंने महादेव से मैं मन्नत मांगना चालू रखा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप
निरंतर करता रहा। लेकिन लक्ष्मी बेहोश हो चुकी थी और काफ़ी समय हो गया था लक्ष्मी को तड़पते तड़पते, और वह करंट उसको छोड़ ही नहीं रहा था। इतने में पास में खड़े एक लड़के ने कहा कि ट्रांसफॉर्मर के पास जाकर ट्रांसफॉर्मर का रेगुलेटर यानी कि बटन बंद कर देते हैं। और वह लड़का ट्रांसफॉर्मर के पास गया और उसने बटन बंद कर दिया। मित्रों, जब करंट बंद हुआ, सभी लोग लक्ष्मी गाय के पास पहुँचे, उसे हिलाया, परंतु उसका शरीर कड़क हो चुका था करंट के कारण, परंतु उसकी सांस अभी भी चल रही थी। लेकिन सभी गांव वाले कह रहे थे कि अब यह नहीं बचेगी, पर मैंने कहा नहीं, यह महादेव की भक्त है, महादेव इसकी रक्षा जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, चलो इसको महादेव के मंदिर ले चलते हैं, अब महादेव ही इसकी रक्षा करेंगे। यह कहकर नंदी को एक गाड़ी में उठाकर महादेव के मंदिर ले गए और महादेव को मैंने जल चढ़ाया। सभी गांव वालों ने नंदी को वापस से सही करने के लिए महादेव से दुआ मांगी। करीब 10 से 15 मिनट हो चुके थे, सभी गांव वाले जाने ही वाले थे कि इतने में देखते ही नंदी की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा और वह धीरे धीरे अपनी पुरानी अवस्था में आ गई और वह एकदम से उठ खड़ी हुई। सभी लोग नंदी को देखकर हैरान हो गए, लक्ष्मी को देखकर सभी लोग हैरान हो गए, सभी गांव वाले यह देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, सभी महादेव के नारे लगाने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, महादेव ने मेरी लक्ष्मी की आखिर जान बचा ही ली। मुझे उम्मीद थी और मैंने उम्मीद नहीं हारी थी, मुझे पता था महादेव जरूर लक्ष्मी की जान बचाएंगे। गांव वाले इसे महादेव का चमत्कार ही मान रहे थे। तो मित्रों, यह महादेव के चमत्कार की सत्य घटना। अगर आपको भी पसंद आई हो महादेव का यह चमत्कार, तो मित्रों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और इस वीडियो को लाइक करें। हर एक महादेव के भक्त को यह वीडियो पहुंचा दे, इतना इसको शेयर करें। और मित्रों, अगर आपके साथ भी कोई महादेव के चमत्कार की सत्य घटना हुई हो, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर लिखकर अवश्य भेजिएगा, हम उसको भी हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करेंगे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री महाकाल।